मंडला आयुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को शहीद स्थली चौरी चौरा का निरीक्षण किया तथा लाइब्रेरी आदि को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। मंडला आयुक्त ने कहा कि चौरी चौरा के सौंदर्यकरण का कार्य कराया गया है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय जनता की है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। मंडला आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि शहीद स्मारक चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई घटना के शताब्दी वर्ष मनाए जाने के निर्णय के बाद पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शासकीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंडला आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना है कि चौरी चौरा की पहचान पूरे देश में हो, इस हेतु क्षेत्र की जनता को भी दृढ़ संकल्पित होना होगा। इसके इतिहास को केवल किताबों तक ही नहीं बल्कि यादगार के रूप में विकसित किया जाएगा। मंडला आयुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि 5 फरवरी को सभी महापुरुषों के स्थल पर दीपोत्सव तथा सभी स्कूलों में चौरी चौरा का पाठ पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। शताब्दी वर्ष मनाए जाने हेतु स्थानीय जनसंवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने स्थानीय जनों से कहा कि शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में यदि कोई सुझाव है तो उसे अति शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने चौरी चौरा के इतिहास को विस्तार से रखते हुए बताया कि शताब्दी वर्ष मनाए जाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। स्थानीय स्तर पर आने वाले पर्यटकों को चौरी चौरा में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही शहीद स्थल पर लाइब्रेरी डिजिटल करने, योग शिविर को बढ़ावा देने, साउंड सिस्टम विकसित करने, दीपोत्सव तथा दिवाली पर चौरी चौरा घटना की पेंटिंग आदि कराए जाने की योजना है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करने तथा इसका कैलेंडर तैयार करने आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान क्षेत्र विधायक संगीता यादव, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप जिलाधिकारी पवन कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्षेत्र में नजारा बनाते हैं। हम लोग आ गए हैं सही स्थल पे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि चौरी चौरा की जो घटना का एक शताब्दी पूर्ण हो रही है, उस अवसर पर हम एक शताब्दी वर्ष का आयोजन करें जो फरवरी 21 से फरवरी 22 तक हो, 2022 तक हो, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक संवाद स्थापित किया है जिसमें आपके क्षेत्र की माननीय विधायिका और अन्य जनप्रतिनिधि और जनमानस था। और प्रयास ही रहेगा कि इस अंचल चौरी चौरा का ही नाम जो है प्रदेश स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर हो, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे वर्ष का एक वर्ष का आयोजन हम लोग प्रस्तावित करेंगे। और प्रयास होगा कि एक अच्छा प्रोग्राम जिससे लोग चौरी चौरा की घटना के बारे में और चौरी चौरा की घटना में जिन लोगों ने त्याग किया है और जिनके त्याग के विनिमय के स्वरूप आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उनको हम पुनः स्मरण करें, उनको पुनः